वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर स्पैरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज टाइप्स ऑफ इरोजन देखेंगे, ठीक है। मेजरली ये टू टाइप्स के होते हैं, पहला है वाटर इरोजन और फिर सेकंड है विंड इरोजन, ठीक है। देखते हैं वाटर इरोजन क्या होता है और इसके क्या कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है वाटर इरोजन में रेन ड्रॉप इरोजन, ठीक है। व्हाट इज़ रेन ड्रॉप इरोजन? रेन ड्रॉप और स्प्लैश इरोजन रिजल्ट फ्रॉम सॉइल स्पेस इस्प्लेस कॉज्ड बाई द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप, ठीक है। मतलब रेन ड्रॉप इरोजन कैसे होता है? जब जो रेन का जो ड्रॉप है वो सॉइल में पड़ता है तो जो मिट्टी है वो इस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ रेन ड्रॉप इरोजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, दैट इज रेन एंड टेम्परेचर, सॉइल इनहेरेंट रजिस्टेंस, इनफिल्ट्रेशन, टोपोग्राफी, स्टीपनेस, लेंथ, प्लांट कवर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेन ड्रॉप इरोजन को, ठीक है। फिर देखते हैं द फॉलिंग रेन ड्रॉप ब्रेक्स डाउन सॉइल एग्रीगेट्स एंड डिटेच सॉइल पार्टिकल्स। जब रेन ड्रॉप फॉल करता है, जैसे ये इमेज में दिखा भी रहा है, जैसे रेन ड्रॉप फॉल होगा तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, देखो ये वाले है ना, तो जब रेन ड्रॉप फॉल होता है तो पहले सबसे पहले वो सॉइल पार्टिकल का डिटेचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लैश। आफ्टर दिस फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम अ थिन मडी फिल्म ऑन द सरफेस विच रिड्यूसेस द इनफिल्ट्रेशन एंड कॉसेस मोर वाटर टू रन ऑफ, ठीक है। क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स है वो जो स्प्लैश होते जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए है ना, इनफिल्ट्रेशन जो अंदर इनफिल्ट्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक। फिर देखते हैं रेन ड्रॉप स्प्लैश ग्रेजुअली रिमूव्स द फाइन मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स बिहाइंड द लेस फर्टाइल सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। रेन ड्रॉप में स्प्लैश वेट सॉइल एस मच एस 60 सेंटीमीटर हाई एंड 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पॉट वेयर द रेन ड्रॉप फॉल्स। इसका मतलब है कि जैसे ही रेन ड्रॉप फॉल होता है तो जो सॉइल स्प्लैश होता है वो लगभग 60 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है, ठीक है, वो लगभग 60 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है और 150 सेंटीमीटर उसका जो स्पॉट है वो चेंज होता है, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है पडल इरोजन। पडल इरोजन क्या होता है? व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन क्लॉड्स ब्रेक डाउन देन सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। मतलब इसमें क्या होता है, पडल इरोजन कब बोलेंगे? जब रेन ड्रॉप फॉल होता है तो जो सॉइल का जो क्लॉड्स होते हैं है ना, सॉइल का जो क्लॉड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा सॉइल इरोजन, पडल सॉइल इरोजन। फिर नेक्स्ट है फर्टिलिटी इरोजन। रिमूविंग द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल दस एक्सपोजिंग द हार्ड रॉकी लोअर लेयर्स दैट आर लेस फर्टाइल, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, फर्टिलिटी इरोजन किसको बोलेंगे? जब जो टॉप फर्टाइल सॉइल है उसका रिमूव होना वो कहलाता है फर्टिलिटी इरोजन। द टेंडेंसी ऑफ सॉइल टू सस्टेन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड इज नोन एज फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है तो जानते ही हैं, ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ सॉइल टू सस्टेन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड इंक्रीज करने के लिए उसका टेंडेंसी होता है, ठीक है, तो वो कहलाता है सॉइल फर्टिलिटी। बट ड्यू टू रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल फर्टिलिटी गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, रिमूव को करते हैं तो फर्टिलिटी, जो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है तो फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है? सीट इरोजन इज द मोर और लेस इवन रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है, इवन रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल का अपर लेयर है वो बराबर तरीके से रिमूव होता है, ठीक है। इट इज़ एन इनकन्सिपिकस टाइप ऑफ इरोजन सिंस द टोटल अमाउंट रिमूव्ड इन एनी स्टॉर्म इज स्मॉल, हाउएवर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स द रिमूवल कैन बिकम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। क्या होता है, ये धीरे धीरे ही इसमें सॉइल रिमूव होता है, लेकिन वो ग्रेजुअली होता है और जो हमको नज़र में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन लंबे समय में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट करता है। इट इज़ ऑफ्टन
इट इज़ ऑफन अननोटिस्ड बाई द फार्मर्स बिकॉज इट अकर्स ग्रेजुअली. देखो ये ना ग्रेजुअली अकर्स होता है ना. एंड देयर इज़ नो अप्रेसिबल चेंज, यील्ड डिक्रीज स्लोली टू अ मिनिमम. ठीक है, अब इसको किसान पकड़ भी नहीं पाता है क्योंकि ये धीरे धीरे ही होता है. देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, है ना, ये सीट के जैसे धीरे धीरे होते जाता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीट इरोजन. फिर नेक्स्ट है रील इरोजन. रील इरोजन क्या होता है? सीट फ्लो अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्लोप. ठीक है, जब स्मूथ लेयर रहता है तब सीट इरोजन होता है ना. दिस इज रेयर इन कल्टिवेटेड फील्ड. कंसिक्वेंटली रेन वाटर कंसनट्रेट इन डिप्रेशन एंड देन बिगिन टू फ्लो टेकिंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड मेकिंग रील्स विच आर स्मॉल इनफ टू बी इजिली रिमूव बाई नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन. रील इरोजन में क्या होता है, जब जब रेन बहता है सॉइल में तो वो धीरे धीरे स्मॉल छोटा सा नाली जैसा बनाते जाता है. जैसे फिगर में दिख रहा है, देखो ये छोटा सा ऐसा नाली बनाता है. ठीक है, इसको रील्स बोलते हैं. और यही रील्स ये स्मॉल स्मॉल टाइप का होता है, लेकिन इसको हम अगर नॉर्मल टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो ये बराबर भी हो जाता है. ठीक है, तो ये है हमारा रील इरोजन. नेक्स्ट देखते हैं गली इरोजन. गली इरोजन इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ रील इरोजन. ठीक है, ये एक एडवांस स्टेज है रील इरोजन का. ठीक है, गलीस आर ऑफन स्टार्टेड एट ट्रैक्स मेड बाई द मूवमेंट ऑफ मशीनरी और लाइव स्टॉक. अनअटेंडेंट रील गेट्स डिपेंड एंड वाइडेंड एवरी ईयर टू अटेन द फॉर्म ऑफ गलीस. क्या होता है, जब रील्स जो हम इसके पहले जो पढ़े हैं, जैसे रील्स बनता है स्मॉल स्मॉल रील्स बनता है, ऐसे स्मॉल स्मॉल रील्स बनता है, लेकिन समय के साथ वो रील्स ऐसा बड़ा होते जाता है. ठीक है, ऐसे गैप आते जाता है, तो ये गली निर्माण करता है. ठीक है, फिर क्या होता है, द रेट ऑफ गली इरोजन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द रन ऑफ प्रोड्यूसिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर सेड. ठीक है, द वाटर सेड एरिया सॉइल करेक्टरिस्टिक्स द अलाइनमेंट साइज एंड शेप ऑफ गली एंड द स्लोप ऑफ गली एंड स्लोप ऑफ द चैनल. ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गली का. देखो ये फिगर, ये कितना चौड़ा है, ये गली का बता रहा है देखो. ठीक है, तो ये एक एडवांस स्टेज है रील इरोजन का. ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं. गली डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन फोर स्टेजेस. कौन कौन, देखो गली जो डेवलपमेंट होता है इसमें फोर स्टेज होते हैं. कौन कौन से स्टेज हैं? फर्स्ट है फॉर्मेटिव फॉर्मेशन स्टेज. ठीक है, दिस विथ चैनल फॉर्मेशन स्टेज विथ चैनल इरोजन बाई अ डाउनवर्ड स्कोर ऑफ द टॉप सॉइल. ये क्या होता है, जिसमें जो टॉप सॉइल है उसका डाउनवर्ड स्कोर होते जाता है. ठीक है, गहरा होते जाता है, ये फॉर्मेशन स्टेज होता है. सेकेंड है डेवलपमेंटल स्टेज. इट कंसिस्टिंग ऑफ अपस्ट्रीम मूवमेंट ऑफ द गली हेड एंड इनलार्जमेंट ऑफ द गली इन विथ एंड डेप्थ. इसमें क्या होता है, इसमें गहराई भी होते जाता है और इसका जो विथ है चौड़ाई है वो भी बढ़ते जाता है गली का. ठीक है, तो ये है डेवलपमेंटल स्टेज. थर्ड स्टेज है हेडिंग स्टेज विथ वेजिटेशन बिगिनिंग टू ग्रो इन द चैनल. तीसरे स्टेज में क्या होता है, जो चैनल बना हुआ है इसमें वेजिटेशन ऐसे ग्रो करने लगता है. ठीक है, दोनों तरफ ऐसे स्मॉल वेजिटेशन ग्रो करने लगता है. ठीक, इसमें इस हेडिंग स्टेज में. फिर लास्ट है स्टेबलाइजेशन स्टेज वेयर द गली रीचेस अ स्टेबल ग्रेडियंट. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्रेडियंट बन जाता है. ठीक है, द गली वॉल्स रीच अ स्टेबल स्लोप एंड वेजिटेटिव कवर स्प्रेड्स ओवर गली सरफेस. और जो वेजिटेटिव कवर है वो चारों तरफ फैल जाता है. ठीक है, और जो स्लोप है वो भी काफ़ी बन जाता है. राइट, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रीम इरोजन. स्ट्रीम इरोजन क्या होता है, स्ट्रीम इरोजन इज द स्करिंग ऑफ मटेरियल विच फॉर्म द वाटर चैनल एंड द कटिंग ऑफ बैंक्स बाई रनिंग वाटर. स्ट्रीम इरोजन क्या बोलते हैं, जो नदी के किनारे या किसी ड्रेनेज लाइन के किनारे में जो बैंक रहता है, जो किनारा रहता है, वो कटिंग होते जाता है पानी के बहने के कारण. ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम इरोजन. स्ट्रीम बैंक्स कैन इरोडेड इधर बाई रन ऑफ फ्लोइंग. देखो रन ऑफ फ्लोइंग के कारण होता है ओवर द साइड ऑफ द स्ट्रीम बैंक और बाई स्कोरिंग और अंडर कटिंग. या स्कोरिंग या अंडर कटिंग मतलब वेजिटेशन को कटिंग कर देते हैं, उससे भी इरोजन होता है. बैंक कटिंग इज एक्सेलरेटेड बाई द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन. देखो ओवर वेजिटेशन, जो वेजिटेशन का ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो उससे भी बैंक का कटिंग होता है. ठीक है,
स्करिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेप्थ एंड विथ ऑफ चैनल एंड सॉइल टेक्सचर ये सब फैक्टर्स हैं देखो डायरेक्शन ऑफ फ्लो डेप्थ विथ ऑफ चैनल सॉइल टेक्सचर ये अफेक्ट करते हैं हमारा स्ट्रीम इरोजन को ठीक। नेक्स्ट देखते हैं लैंडस्लाइड इरोजन। लैंडस्लाइड इरोजन क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड्स इसके कारण होता है ये लैंडस्लाइड्स जो होता है पहाड़ी इलाकों में उसके कारण होता है ठीक है। स्टीप हिल स्लोप एरिया में विच आर सब्जेक्ट टू हैवी रेनफॉल जहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा गिरता है बिकॉज द सॉइल गेट्स सेचूरेटेड विथ वाटर एंड इट्स वेट इंक्रीजेज क्यों होता है? क्योंकि जो सॉइल है उसमें पानी भर जाता है सेचूरेट हो जाता है और वेट इंक्रीज होता है इससे लैंडस्लाइड होने लगते हैं। ऑल्सो द वाटर वीकन्स द कोहेशन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ठीक कोहेशन को भी रिड्यूस करता है। अंडर दिस कंडीशन द सॉइल यील्ड्स टू ग्रेविटी एंड स्लाइड डाउन ठीक है ग्रेविटी के कारण वो फिर गिरने लग जाता है उससे रेल लैंडस्लाइड देखो फिर पिक्चर में दिखा रहा है देखो रोड किनारे का हो गया है इधर देखो इधर घर में बिल्डिंग एरिया में भी हो गया है ठीक। नेक्स्ट है इरोजन बाई वेव्स ये लास्ट है इरोजन बाई वेव्स। वेव्स के कारण जो होता है वो कहाँ होता है देखो ओशियन एंड लेक शोर लाइन्स आर सब्जेक्टेड टू कटिंग बाई वेव्स एकम्पनीड बाई हाई विंड डैशिंग अगेंस्ट देम एंड स्कूपिंग आउट द अर्थ हाई जब हाई विंड स्पीड से जब आता है तो जो पानी का जो लहर है वो किनारे से टकराता है ठीक है तो उसको हम बोलेंगे इरोजन बाई वेव्स। द डैमेजिंग एक्शन ऑफ वेव्स इज फेल्ट ऑन द अर्दन बर्न्स ऑफ रिजर्वायर एंड टैंक्स ठीक है। इन सच केसेस द एक्सपोज्ड एरिया हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाई स्टोन रिवेटमेंट स्पेशली इन बर्न्स ठीक है तो जो किनारे किनारे एरिया रहता है उसको हम स्टोन में रिवेटमेंट करना चाहिए ताकि हम वेव इरोजन को रोक सकें। देखो फिगर में दिखा रहा है अपर लेयर ऑफ एयर सिंक एयर प्रेशर क्रिएट्स वेव्स ठीक है वेव क्रिएट करता है ये डायरेक्शन ऑफ विंड है यहाँ से हवा जा रहा है। डिक्शन फ्रॉम द बीच शोज द लोअर पार्ट ऑफ द वेव बट अपर पार्ट कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड एंड ब्रेक्स जो आगे का जो पार्ट है वेव का वो देखो इधर ऊपर जाते जाता है और इसे टकराता है ठीक टकरा के फिर ये बैक वॉश होता है। तो इस प्रकार से जो किनारे का है वो वेव के कारण इरोजन होते जाता है ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वाटर इरोजन। नेक्स्ट है विंड इरोजन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर ले दोस्तों और तैयारी करने के लिए एग्रीकल्चर एग्जाम्स का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ठीक है। राइट थैंक यू।